हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज आर्टिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खील का पोहा। ये जो खील होते हैं, हम दिवाली में खील बताशे पूजा में जो चढ़ाते हैं, काफ़ी बच जाते हैं, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, चाहे तो उसकी नमकीन हो, पोहा हो, भल्ले हो, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खील पहले मैंने साफ़ किया है, तो जो इसमें हल्के हल्के तिनके रह जाते हैं वो हमने निकाल देने हैं, क्योंकि इससे इसका स्वाद ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से इसको आपने साफ़ करना है और एक बार छान लीजिए। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, कोई भी ऑयल आप जो खाने में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हम आधा चम्मच ज़ीरा ले रहे हैं, तो ज़ीरा हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पर हम 1 पिंच हींग लेंगे, और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ करी पत्ता ले रही हूँ। तो करी पत्ता आप जितना भी पोहा बना रहे हैं खील का, उतना करी पत्ता आप ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर एक प्याज लेंगे, बड़ा प्याज, उसको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया हमने, इसको भी मिला देते हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन या फ्राई नहीं करना है, सिर्फ ऑयल में डालने के बाद करी पत्ता इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज जो है वो हमारा वाइट कलर का ही है। यहाँ पर हमने एक बड़ा आलू लिया है, आलू को भी छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। आलू को पकने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर हम छोटे पीसेस काट रहे हैं, और लेकिन इनको गलने के बाद ही हम इसमें खील को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर, और आधा ही चम्मच हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर, और नमक जो है वो हमारे स्वाद के अनुसार रहेगा। तो हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालेंगे, हल्के फ्लेवर में ही हम इसको बनाएंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। आलू को हमने 1 मिनट पकाना है, ताकि थोड़े से आलू जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, इसको हमने कवर कर कर पकाया था। तो देखिए आलू काफ़ी गल चुके हैं, क्योंकि छोटे पीसेस में हमने काटा था इनको। तो अब यहाँ पर हम एक बड़ा टमाटर ले रहे हैं और एक हरी मिर्च ले रहे हैं, टमाटर को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है और हरी मिर्च को भी। तो अब इसको हम मिला देते हैं, जो टमाटर का रस होता है उससे भी आलू जो है वो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को एक बार मिलाकर 1 मिनट हम और पकाएंगे। तो देखिए आलू जो है वो काफ़ी गल चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम खील ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके खील इसमें मिला रहे हैं। आलू को पहले पकाना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने इसमें खील ऐड करा है तो हम बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो इसलिए पहले आलू को पका कर, या जो भी सब्ज़ियाँ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। तो सब्ज़ियों को पकाने के बाद ही इसमें हम खील ऐड करेंगे। तो देखिए सारी सब्ज़ी को और खील को हमने आपस में मिक्स कर लिया है, मिला देना है। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लेंगे, तो जो स्पून है आप चाहें तो उससे नाप लीजिए, 1 से 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ हल्का ही हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि पानी डालने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से जो है आपस में मिल जाएगी सब्ज़ी और खील, और थोड़ी इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो देखिए अभी हल्का हल्का जो है ये एकदम फूला हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें पानी ऐड करा तो ये सॉफ्ट हो गया। तो देखिए उसके बाद हमने इसको कवर करके 1 मिनट और पकाया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल देते हैं। धनिया डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल पोहा बनाते हैं, वैसे ही खील का पोहा यहाँ बना है, और बहुत ही हल्का और टेस्टी नाश्ता है ये। तो आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, तो बहुत ही हल्का रहता है ये। तो इस तरीके से आपका जो दिवाली पे खील बच जाते हैं तो उसका आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो हमारा खील का पोहा तैयार है।